वेलकम टू माई चैनल। आज सुबह सुबह हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो एक्चुअली आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसीलिए आज का जो दिन की शुरुआत है वो हम मंदिर जाकर करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मंदिर। तो सत्या अभी जा रहे हैं अब गाड़ी वाड़ी निकालने के लिए, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। और मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर किया है, ये मुझे सत्य ने गिफ्ट किया था शादी से पहले, जब हमारा फर्स्ट दुर्गा पूजा था उस टाइम पे। मैंने आप लोगों से शेयर किया है साड़ी कलेक्शन वाले वीडियो में। सो यस, तो दिस इज माय लुक मॉर्निंग वाला। घर वापस आ गए हैं और अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे विथ फैमिली। तो सारे ही फैमिली ऑलरेडी यहाँ आ गए हैं एंड अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे। तो केक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा केक है, यू कैन सी दैट, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा केक है। एंड जहाँ से मैं केक शॉप करती हूँ, और मेरा फेवरेट वाला केक शॉप पुणे से कौन सा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप लोगों को पता है, हर एक ऑकेशन में मैं वहीं से केक लाती हूँ। इनके केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एंड इनके जो डिज़ाइन होते हैं ना वो भी यूनिक है। और आपको कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना है, जस्ट उसका फोटो आप उनको दिखा दीजिए, वो लोग एज इट इज़ बना देंगे। तो आप देख ही पा रहे हो कितना प्यारा केक उन्होंने हमारे लिए बनाया है। थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। थैंक यू। अरे आधा टुकड़ा मेरा। केक बहुत मस्त है, बहुत बहुत अच्छा है। ये लास्ट टाइम भी हमने इसी भैया के पास से लाया था, हम हर समय से इनके पास से लाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आप जरूर से उनको ट्राई कर सकते हैं, एंड डिजाइन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सुंदर डिजाइन, आप जैसा भी बोलोगे बना देंगे। आप बस उनको फोटो दीजिए कि एक फ्रेशनेस होती है ना केक की, वो खाने से पता चलता है। और क्रीम का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, खाया जा रहा है, ना ज्यादा मीठा, मतलब एक होता है ना कुछ देर के बाद अच्छा नहीं लगता है, क्रीम नहीं खाना है, वैसा फीलिंग नहीं है, आप क्रीम भी खा लोगे इनके। तो आज का और क्या प्लान है? आगे आगे बढ़ते जाएगा, डब्बे खुलते जाएंगे, सब सरप्राइजेस के पिटारे। तो चलिए फिर अभी हम लोग थोड़ा सा केक एंजॉय करते हैं, देखती हूँ मैं आगे क्या बनाती हूँ घर में। आज और लंच बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आज सुबह से हम लोग फास्ट कर रहे थे ना, तो इसीलिए अभी सत्या डोसा लेकर आए हैं, तो आज हम ब्रंच करेंगे डोसे के साथ। हेलो गाइस, तो अभी हो गई है शाम और जैसे कि ना आप देख पा रहे हो मैं एकदम रेडी वेडी हो गई हूँ, क्योंकि हम अभी कहीं बाहर जाने वाले हैं, सत्या मुझे डिनर डेट पे लेकर जाने वाले हैं, एंड कहाँ जाने वाले हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, जस्ट उन्होंने बताया है इतने बजे तक आप रेडी हो जाओ फिर हम बाहर जाएंगे। तो आई थिंक डिनर डेट के लिए जाएंगे, रात का टाइम है तो ऑब्वियस बात है, ये तो समझ में आ ही जाता है। तो आज मैं ये जैकेट, बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो आते वक्त भी ठंडा लगेगा, तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ अ पॉइंट
एंड उसके साथ ब्लैक कलर का एक टॉप एंड ब्लू कलर का जीन्स. अभी तक तो मैंने यही डिसाइड किया है. तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ. फेस का मेकअप ऐसा ही रहेगा, थोड़ा न्यूट्रल सा मेकअप है, ज़्यादा कुछ भड़कीला सा नहीं करना है क्योंकि ऑब्वियसली रात के टाइम पे हम कहीं जाते हैं ना, तो सत्य को मेरा चॉइस पता है कि मुझे किस तरीके के एम्बियंस पसंद है. तो वहाँ पे भड़कीले कुछ मेकअप करके या कपड़े पहन के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है. तो यस, तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो मैं रेडी हो गई हूँ, अभी लिफ्ट में हूँ, नीचे उतर के जल्दी से निकलेंगे, थोड़ा लेट हो गया. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और हम आए हैं अरबो में. और मैं आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत इसका टूर दे देती हूं फटाफट से. सो दिस इज द ओपन स्पेस और यहां पे बहुत अच्छे से उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है. Now let's go inside. So अंदर कुछ इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट है. वीकेंड में ये जो सेंटर वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, आई गेस वो डांस फ्लोर बन जाता है, बट वीकडेज में कुछ इस तरीके का सिटिंग रहता है. और दूसरे साइड पे एक और ओपन स्पेस है एंड यहाँ पे भी सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है. इनका आउटसाइड अरेंजमेंट बहुत ही सुंदर है, बट क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी है सो वी डिसाइडेड वी वुड सिट इनसाइड. ओ बाय द वे, ऊपर भी उनका कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि ना अभी बंद है क्योंकि आज वीकडेज है तो ज्यादा रश नहीं है, आप देख ही पा रहे हो. And here I am checking the menu. Hi. So यहाँ पे ना बहुत बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे ना स्कैन मेनू मिल जाता है, जस्ट आपको स्कैन करना है और आपके मोबाइल पे मेनू कार्ड आ जाएगा. दिस इज गुड ना. बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है हमारा. भीड़ भी ज्यादा नहीं. हाँ, क्योंकि आज वीक डेज है ना, ऊपर से मंडे. हाँ, पब्लिक नहीं तो मैं ये रखूंगी नहीं, और बात मत करो कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो. एंड दिस स्वीट सरप्राइज फ्रॉम सत्या. और मुझे एकदम आइडिया नहीं था कि कब उन्होंने ये सब अरेंज करा. आज मैं बोल रही थी कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी और ये बोल रहे थे नहीं. लादिया, किस्मत में है तो कोई नहीं छीन सकता. बहुत ही अच्छा टाइम गुजर.
गुजरा हमारा और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। कैसा गुजरा आज का टाइम आपका? तुम बताओ ना, तुमको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत अच्छी थी, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। हाँ, हमने बहुत इंजॉय किया। बट अभी रात हो गई है तो हम लोग पहले तो घर पहुँचते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगी। अभी हाँ ठंड भी लग रही है तो मैंने तो जैकेट वैकेट डाल दिया है तो अभी निकलते हैं। सब बंद भी हो गया, यहाँ पे बंद भी हो गया। चलो एंजॉय किया। सो हम गए थे अरबो में एंड उसका जो लोकेशन होगा मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कोई चीज़ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो कि कहीं जाना है एनी वर कन्फ्यूज्ड के कहाँ जाए तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ यहाँ हम जा सकते हैं। तो यस, तो वहाँ पे ना हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है और रश नहीं थी बिकॉज हम लोग वीकडेज में गए थे। अगर आप वीकेंड में जाते हो फ्राइडे सैटरडे संडे तो शायद थोड़ी रश रहेगी एंड डीजे नाइट भी होता है, बट वीकडेज में डीजे नाइट नहीं रहता है, लाइट म्यूजिक होता है, जो रोमांटिक काइंड ऑफ म्यूजिक रहता है वो है। बड़ा ही अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट होता है, आउटडोर भी है इंडोर भी है तो आप कहीं भी बैठ सकते हो। फूड वाज टेस्टी एंड सर्विस वाज गुड और ओवरऑल हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने बहुत इंजॉय किया। कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। तो यस, तो आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा है एकदम सुबह से रात तक। तो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड है आवाज से और इतनी खुशी के मारे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यस बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं अभी एंड अभी बस बिस्तर में गिर के सो जाना है। तो चलिए फिर आज का जो ये व्लॉग है यहीं इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को हमारी तरह आज का दिन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से क्या बोल रही हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा विद दैट बेल आइकन एंड कमेंट में अपना प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।